हाय दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस फाइनली डीयू के एग्जाम्स के ऊपर फैसला आ चुका है। जितने बच्चे हैं एसएल के, एनसी वेब के, रेगुलर के, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के, उन सब के एग्जाम 10 जुलाई से नहीं होंगे। आपको बता दूं कि जो आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन थे वो अब आपके 15 अगस्त के बाद इस पर कोई फैसला आएगा कि आपके एग्जाम आगे किस तरीके से लिए जाएंगे। अभी के लिए इस मंथ आपके एग्जाम नहीं होंगे, अभी के लिए इस मंथ के लिए आपके एग्जाम्स को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। आपको बता दूं कि आज इस पर फाइनल हियरिंग थी हाई कोर्ट में। ये फाइनल हियरिंग आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करी गई। जितने भी मेंबर्स थे डीयू के उन सब ने बात करी। जो जस्टिस थी प्रतिभा एम सिंह जी, उन्होंने इस मुद्दे को प्रॉपर तरीके से बारीकी से जाना और ये कहा कि जो आप सभी लोग खिलवाड़ कर रहे हो बच्चों के साथ ये सही नहीं है, और ये पूरी बात उनके सामने रखी और बताया गया कि आप सभी लोग ओपन बुक एग्जाम के लिए तैयारी नहीं हो और ये ओपन बुक एग्जाम लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा इस मंथ के लिए, क्योंकि बच्चों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बच्चों को अभी अवेयरनेस नहीं है किस तरीके से ओपन बुक एग्जाम लेना है। तो अभी के लिए ये मामला और ये फैसला आया है कि आप सबके जो एग्जाम से 10 जुलाई से वो अब नहीं होंगे, इसको अब आगे के लिए टाल दिया गया है। देखिए हमने जो आवाज उठाई थी इसके साथ साथ जो बच्चे थे कहते हैं डीयू के, उन्होंने ऑलरेडी पिटीशन दायर कर रखी थी डीयू कोर्ट में। उसके साथ साथ जो एनएसयूआई था वो भी इसके अगेंस्ट था, इवन ड्यूटा भी इसके अगेंस्ट था। आपको बता दूं कि जैसे हमने आवाज उठाई कि ओपन बुक एग्जाम लेना सही नहीं होगा, इस पर कुछ ना कुछ तो चलो आज फैसला आया, अभी के लिए आपके एग्जाम्स को आगे पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन आपको बता दूं कि अभी ये हमारा फाइनल फैसला नहीं हुआ है, ये हमारे लिए अभी फाइनल जस्टिस नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि अभी भी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाए उनके असाइनमेंट्स लेके। मैं आपको बता दूं जो बच्चे थर्ड ईयर के हैं और एक्सटूडेंट्स के हैं जिनको इस साल असाइनमेंट नहीं मिले, उनको बता दूं कि जिन बच्चों को असाइनमेंट दिए गए थे फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चों को, जब उनके असाइनमेंट आए थे तो 2 दिन तक लगातार इनकी वेबसाइट बंद रही थी, और आज भी कुछ लास्ट डेट थी सेकेंड ईयर के असाइनमेंट सबमिट करने की और बच्चे अब तक असाइनमेंट को सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, आज की लास्ट डेट थी, ठीक है, और बहुत से बच्चे अब तक असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये किस तरीके से उम्मीद रख रहे हैं कि 3 घंटे के अंदर अंदर ओपन बुक एग्जाम ये लोग ले लेंगे, यानी कि अभी भी ये पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए हैं कि चलो अगस्त में कुछ ना कुछ करके ओपन बुक एग्जाम ले लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि फाइनल फैसला ये आएगा एंड में अगस्त और सितंबर में कि इन सबको प्रमोट कर दिया जाए और इनको असाइनमेंट देके पास कर दिया जाए, यही इसका हल है। ओपन बुक एग्जाम लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा और ये चीज डीयू में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि स्टूडेंट अवेयर ही नहीं है, लाखों बच्चों को अवेयर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर कुछ बच्चे होते हैं 1000-2000 तो समझ में आता है, लेकिन लाखों बच्चों का ओपन बुक एग्जाम लेना वो भी 3 घंटे के अंदर अंदर इम्पॉसिबल। इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन प्रेस करके, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि हमारी स्टूडेंट्स 1 लाख की फैमिली होने वाली है यूट्यूब पे, यानी कि अब ये जो सपोर्ट है ये अब दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, मैं अभी भी यही मांग करूंगा कि स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए थर्ड ईयर के भी और एक्स स्टूडेंट्स को भी प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है। ये ओपन बुक का एग्जाम लेने का फैसला बिल्कुल भी सही नहीं होगा और आप सभी लोग देख लेना कि कुछ दिन के बाद अभी इस पर और फैसला आएगा दिल्ली हाईकोर्ट से, ठीक है। अभी मामला ये कोर्ट में है तो अभी इस पर और बातचीत होगी। अभी के लिए आप सबके एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। जिस तरह से आपके माइंड पे स्ट्रेस था कि परसों से एग्जाम है, बच्चों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और बच्चों के बहुत से डाउट्स थे, मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं अभी भी आपके मन में बहुत से डाउट्स हैं कि अगस्त में एग्जाम होंगे किस तरीके से होंगे, अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस होगा माइंड पे। आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम्स को लेके, ठीक है, क्योंकि जब तक मैं आप सबके साथ हूं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रमोट करवा दिया जाए असाइनमेंट्स लेके, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के बच्चों को ये लोग असाइनमेंट देके पास कर सकते हैं तो थर्ड ईयर के बच्चों को भी कर सकते हैं। हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे कि आप प्रमोट कर दो, असाइनमेंट लो, प्रॉपर तरीके से टाइम दो, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर हर बच्चा असाइनमेंट देगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे स्टडी से नहीं घबरा रहे हैं, उनको टेंशन ये है कि अगर वेबसाइट क्रैश होगी ओपन बुक एग्जाम के दिन तो उस दिन क्या होगा। उस दिन लाखों बच्चों को बहुत ज्यादा निराश फील करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस
बड़े से मुद्दे को हमें और उठाना होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सबकी सपोर्ट मिले, वीडियो ज्यादा से शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, वर्क हार्ड, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।